दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, रियली दोस्तों काफी करीब से जानता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे प्लान देखने को आती हैं, संडे के सेमिनार में आते हैं, और दोस्तों ये बोलकर फॉर्म फिलअप नहीं करते कि हम तो हाउसवाइफ हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमको उनका देखभाल करना पड़ता है। दोस्तों, बहुत सारे एक्सक्यूज देकर इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके बीच में दोस्तों ऐसी अचीवर ने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कि हाउसवाइफ होने के बाद भी, छोटे बच्चे होने के बाद भी इस बिजनेस में डायमंड बना जा सकता है। दोस्तों, जिन्होंने अपना पहला रिकॉग्निशन अपना क्वालिफाई किए हुए हैं, दोस्तों हमारे और आपके बीच में न्यू सिल्वर अचीवर अमृता कुटे जी, प्लीज कम ऑन स्टेज, जोर लगा लीजिए दोस्तों। सभी यहाँ आए हैं, अपना अपना परिचय दिए हैं, अपना अपना समय बताते गए हैं। मेरा भी छोटा सा स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो इस बिजनेस में आना ही नहीं था, बोलते हैं ना लक बाय चांस, तो मेरा वैसे हुआ है। मैंने प्लान तो देखा ही नहीं था, क्योंकि उस दिन जहाँ सर हमारे यहाँ गए हुए थे, तो मेरा बेटा जो है हमारे सर जी के फ्रेंड हैं, स्कूल फ्रेंड हैं, तो वहाँ गए हुए थे, और जाने के बाद फिर बोलते हैं कि सिस्टर दिखाने आए हैं कुछ प्लान वगैरह। मैं बोली ठीक है, बैठाओ भाई आप, और मैं तो यहाँ किचन में काम ही कर रही थी, क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा आए हुए थे, और मिस्टर जी प्लान देखे और बोलते हैं कि चलो तो जी थोड़ा सा वहाँ बैठना। तो मैं बोली क्यों, मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी तो मैं फंस जाऊँगी, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को सुनना सुनाना बहुत अच्छा लगता है और घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बोली नहीं नहीं, थोड़ा सा बस जाना है, कुछ नहीं, बस वहाँ बैठना है फिर वापस आ जाना है। तो मैं बोली नहीं नहीं जाती मैं ऐसा करके, तो बोलते नहीं थोड़ा सा चलो। फिर मैं वहाँ गई, सर लोग मिले वहाँ पर, तो बैठी मैं वहाँ, और बैठने के बाद मेरे को पता था कि थोड़ा सा मैं क्या है नेटवर्किंग फील्ड, मतलब मैं जानती थी, तो मैं तो पहला अपना सुनाई सर लोगों को कि ऐसा ऐसा होता है, मेरे को सब चीज़ पता है, इसका प्रोसेस जो होता है ऐसा होता है वैसा होता है। तो बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए मस्त सुन रहे थे मेरे को, बहुत अच्छे से सुने। सुनने के बाद फिर बोलते हैं और आंटी जी बोलिए, तो मैं तो अब कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि मेरा तो खत्म हो चुका था। बोलते हैं आपको हो गया तो 5 मिनट देंगे मेरे को, तो मैं बोली हाँ 5 मिनट ले लीजिए, बिल्कुल भाई मैं सुनाई तो आप भी सुनाइए अब थोड़ा उसमें जो जानकारी मेरे को दिए, तो मेरे को ना बहुत अच्छा लगा उसमें का जो सिस्टम का जो था हमारा, जो बोला जाए कि जनरली जो प्लान होता है अपना वाला सिक्योरिटी जो मैं उसमें देखी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और 2 लेग उसमें बनाने हैं, 1 लेग में क्या है ना हमारे को सिस्टम मतलब हेल्प करती है, वो मेरे को अच्छे लगे। तो मैं बोली प्लान तो ठीक है, तो मैं अपना डिसीजन स्वयं नहीं ले सकती थी, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ को जानते हैं कि अपना अपना डिसीजन लेने के लिए अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो मैं बोली क्या बोलते हैं जी, तो देख लो भाई, मैं बोली अगर आप बोलते हैं तो देख लीजिए, मैं तो काम करने जा रही हूँ किचन से। फिर आए बोलते हैं साइन कर दो, मैं बोली कहाँ कहाँ साइन करने के लिए बोलते रहते हैं, जब भी हो तो मेरे को फंसा देते हैं, तो नहीं नहीं साइन कर दो। तो मैं बोली इस बार आप साइन कर दीजिए, नहीं नहीं आप ही साइन करो, साइन कर दी। उसके बाद बोलते हैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, मैं बोली अरे आप ये प्रोडक्ट क्या होता है, फिर ऐसा करके। तो मेरे को समझ मतलब पूरा प्लान ही मैं अच्छे से नहीं देखी हुई थी, जैसे तैसे मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया बोल दीजिए। ज्वाइन करने के बाद अब हुआ जो उसमें का प्रोसेस होता है, FIM वगैरह जो भी होता है, अब सब किए, सब फिर कॉल आना शुरू हुआ, बधाई हो बधाई हो। मैं बोली क्या चीज़ का बधाई देते हैं, बधाई हो आपका SDP प्रोग्राम में, स्वागत है स्वागत है। उसके बाद फिर सभी सीनियर मतलब फिर घर आए लिस्ट बनाने के लिए,
अब लिस्ट बनाने के लिए मैं ऐसे मतलब बोलते हैं ना, हम लोगों से लिस्ट बनवाते हैं और मैं ऐसी बनती हूँ जो अपने सीनियरों से बैठा कर उन्हीं को लिस्ट बनाने के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो सीनियर है। बेटे के दोस्त थे, मेरे को लगता था बेटा है तो आप ही बनाओ सीनियर, मतलब लिस्ट बनाना है जो लिस्ट बना दे। उसके बाद फिर बोलते हैं, फिर कॉल आना शुरू हो गया, आंटी जी आपका लिस्ट तैयार है, आज चल रहे फील्ड में। मैं बोलती यार मैं हूँ नहीं घर पे, मैं तो शादी में गई हूँ, क्योंकि अप्रैल का महीना था तो शादी समय चल रहा था। तो ठीक है आंटी जी कोई दिक्कत नहीं है, फिर आते हैं कल। मैं बोली फिर नहीं हूँ आज घर पे, मैं आज कहीं घूमने गई हूँ। फिर कॉल आता था, ऐसे करते करते पूरा एक महीने गुजर गए। अब एक महीने के बाद क्या है, मेरे को ना मतलब बोला जाता था QBA TBA ऐसा करके जो बोला जाता मेरे को समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं सिस्टम में आई नहीं थी। तो हमारे सीनियर सर जी हैं, बोला जाता है कि एनर्जीफुल जो हमारे सीनियर हैं मिस्टर डमरूधर साहू जी, वो बहुत महान हैं बोलते हैं। मैं जितना भक्त थी ना वो उससे भी और मतलब आगे रहने वाले हैं। तो बोलते थे अचानक से आए और बोले कि आंटी जी तो अचानक मैं ही निकल गई उस दिन दरवाजे पे। और फिर बोलते अरे कौन आप, तो मैं डमरूधर साहू, मैं आपको कॉल किया था, मैं पहचानती नहीं थी पहले किसी को। तो मैं बोली हाँ बेटी आज ऊपर वाले ने संकेत किया था मेरे को, आज आंटी जी घर पे मिलेंगी। अरे अब तो मैं फंस गई। अब वहाँ आए तो बोलते हैं कि आंटी जी कल बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने वाला है हमारे यहाँ तो HDP परिवार में। तो मैं बोली क्या चीज़ होने वाला है, इतने ज़बरदस्त मतलब इवेंट होने वाला है लर्न लीड अर्न का, तो वहाँ 1200 दे करके 2 फॉर्म ले करके आपको वहाँ चलना है। तो मैं बोली सब चीज़ तो फ्री में होता है, अबे यहाँ कैसे जाना भाई पैसे दे करके ऐसा करके। फिर वहाँ जब मैं गई ना तो मेरे को समझ में आया कि जो मैं पहले भाग रही थी वो चीज़ मेरे को भागना नहीं था। जो एक महीने का मेरा जो समय जो मैं भगाई हूँ बोल दीजिए सर लोगों को और मैं खुद भागी हूँ, वो आज मेरे को बहुत तकलीफ होता है। तो ऐसा करते करते फिर मेरा जो 4 महीने का समय पूरा हो गया और बीच बीच में शुरू स्टार्ट की, मैं अपना पार्ट टाइम की तरह से स्टार्ट की हूँ। तो सभी सीनियर जैसे बोलते थे फाइन ट्यूनिंग करो, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। तो अचानक एक दिन फिर मैं सलेन सर जी से बात की तो वहाँ मेरे को पता चला कि फाइन ट्यूनिंग होता क्या है। वहाँ जब बात की उसके बाद से मेरे को पता चला कि हमको काम कैसे करना होता है। तो बढ़िया है, फिर फाइन ट्यूनिंग से सभी जुड़े रहेंगे और आगे काम करने में मदद मिलेगी। और दोस्तों सभी सीनियरों को तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है बोल दीजिए मेरे को, धीरे धीरे करके उन्होंने मेरे को सिखाया। एक हाउस वाइफ जो मैं सोचती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी इसे, मैं क्या कर पाऊँगी, तो हमेशा सब सिखाते थे मेरे को, नहीं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, कभी भी आप सीख सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो सभी सीनियरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उसमें जैसे सीनियर हमारे हैं जिनकी जो गाइडलाइंस को लेकर के आज मैं यहाँ तक आ पाई हूँ, हमारे मरकरी सर मिस्टर राकेश जायसवाल सर जी हैं, मिस्टर शैलेंद्र कुमार साहू सर जी हैं, और हमारे सीनियर जो अभी करेंट में जो हैं मिस्टर ओम प्रकाश साहू जी, मिस्टर पवन सर जी और मिस्टर गजेंद्र सर जी। तो बोला जाए तो सभी सीनियर्स यहाँ एक से बढ़कर एक हैं जिनसे मैंने कुछ ना कुछ सीखा ही है। हालांकि सीनियर जो है मेरे से सभी छोटे हैं बोल दीजिए, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगी, हम मेरे को लगता था कि सिर्फ बड़े ही बच्चों को सिखा पाते हैं, मैं यही सोचती थी कि हमेशा बड़ों से सीख मिलती है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को सीख मिली कि छोटों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और मैं यहाँ आ करके बहुत कुछ सीखी हुई हूँ। तो बड़े बड़े जैसे जो बम होते हैं ना जैसे फूटते हैं तो बहुत धमाका होता है, उसी तरह से जैसे बोलते हैं ना टिकली फटाका होता है, कभी कभी वो भी धमाल मचा जाता है। तो छोटा पैकेज बड़ा धमाका। हमारे करंट सीनियर मेरे स्पॉन्सर बोला जाए मिस्टर शिव प्रकाश साहू जी, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने मेरे को लिस्ट में रखा। अगर आज वो मेरे को लिस्ट में ना रखते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती दोस्तों। और सीनियर को मैं थैंक बोलना चाहूँगी और मेरी अच्छी खासी टीम तैयार हो चुकी है सेना और सैनियों की, तो टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अगर टीम आज यहाँ तक काम नहीं करती तो मैं यहाँ तक आज नहीं पहुँच पाती। तो सीनियर भी सपोर्ट किए हैं, टीम भी सपोर्ट किए हैं, तो सो धन्यवाद सीनियर, धन्यवाद टीम और धन्यवाद सेफ साहब।